हेलो फ्रेंड्स, दिल्ली कैपिटल की जीत से आरसीबी को हुआ फायदा। वहीं मुंबई इंडियंस, यूपी वॉरियर्स और गुजरात जायंट्स हुई हैरान और परेशान। सैफ अली वर्मा की तूफानी पारी में उड़ा गुजरात जायंट्स, पॉइंट्स टेबल में हुआ बड़ा उलटफेर। इस मुकाबले के बाद स्मृति मंदाना ने क्या कहा? तो चलिए गाइस, आप भी चाहते हैं कि आपकी फेवरेट टीम जीते WPL सीजन 1 का खिताब, तो फटाफट से चैनल को कर लीजिए सब्सक्राइब, बेल आइकन जरूर प्रेस करें। चलिए गाइस, बिना किसी देरी के वीडियो में शुरू करते हैं। मैच नंबर 9 की बात करें, गुजरात जायंट्स और दिल्ली कैपिटल के बीच खेला गया। गुजरात जायंट्स ने पहले टॉस जीता, पहले बल्लेबाजी करने का फैसला किया, लेकिन कैप ने पूरी तरीके से गुजरात जायंट्स की कमर तोड़ दी और कोई भी बल्लेबाज इनकी अच्छी बल्लेबाजी नहीं कर पाया और 20 ओवर में 9 विकेट के नुकसान पर सिर्फ 105 रन ही बना पाई। जहां कैप ने 5 विकेट लिए, वहीं शिखा पांडे को 3 और राधा यादव को 1 विकेट मिला। 106 रनों के लक्ष्य का पीछा करने उतरी दिल्ली कैपिटल ने बिना कोई विकेट को 7.1 ओवर में 107 रन बनाकर परफेक्ट 10 विकेट से जीत हासिल की। जहां मैकलेनिंग कैप्टन 21 रन बनाकर नाबाद रही, वहीं सैफ अली वर्मा ताबड़तोड़ अंदाज में 28 गेंदों में 76 रनों की धुआंधार पारी खेली, जिसमें 10 चौके और 5 गगनचुंबी छक्के लगाए। इस पारी को देखकर मुंबई इंडियंस भी हो गई है हैरान और परेशान। चलिए गाइस, इस मुकाबले के बाद पॉइंट्स टेबल पर एक नजर डालते हैं। मुंबई इंडियंस अभी भी 3 में से 3 मुकाबले जीतकर टॉप पर है। वहीं दिल्ली कैपिटल नंबर 2 पर आ गई है, 3 मुकाबले जीत चुकी है 6 पॉइंट्स के साथ। वहीं यूपी वॉरियर्स अभी वही नंबर 3 पर बनी हुई है, 3 में से 2 मुकाबले जीते हैं। वहीं गुजरात जायंट्स इस मुकाबले के हार के बाद ही काफी चांसेस कम हो गए हैं प्लेऑफ्स में जाने के लिए। वहीं बेंगलोर अभी भी नंबर 4 पर बनी हुई है। सो गाइस, अब आपके जहन में एक सवाल उठ रहा होगा कि आखिर दिल्ली कैपिटल की जीत से आरसीबी को कैसे फायदा हुआ। यू गाइस, आरसीबी अब नहीं चाहेगी कि गुजरात जायंट्स या यूपी वॉरियर्स दोनों में से ही कोई भी टीम अपने बचे हुए मुकाबले जीते। वहीं आरसीबी को अपने बचे हुए 4 मुकाबले जीतने हैं अगर टॉप 3 में जगह बनानी है। तो आरसीबी हर हाल में ये चाहेगी कि मुंबई इंडियंस जीतती रहे, दिल्ली कैपिटल भी जीतती रहे, साथ में अपने बचे हुए 4 मुकाबले जीतकर टॉप 3 में आ सकती है। फ्रेंड्स, वीडियो आपको कैसे लगी कमेंट करके जरूर बताएं। थैंक्स फॉर वॉचिंग। जय हिंद, जय भारत।